मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की है। यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। उनका प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने वाले हैं। अमित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में, क्या कुछ कार्यक्रम, कहां कहां पर बात होनी है? देखिए, आज के जो प्रोग्राम थे, सीडीएस बिपिन रावत से सुबह मुलाकात कर चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इसके बाद एक पुलिस का कार्यक्रम था, उसमें शिरकत की। अब जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि पिछले हरीश रावत के बयान के बाद जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल आई है, किस तरह की खबरें चल रही हैं कि सीएम को बदला जा सकता है, उसके बाद से दिल्ली में प्रतिक्रियाएं जो है वो खासतौर पर तेज हो गई हैं। कई मंत्री जो है वो इस समय दिल्ली में ही डटे हुए हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री की बात करें। अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह की अपनी भूमिकाएं निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब सीएम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गर्मी का मौसम है तो सरगर्मियां होनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि आखिर सही माजरा क्या है। तो जाहिर तौर पर जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी तो काफी अहम मुलाकात होगी, क्योंकि राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति की दशा दिशा क्या होगी वहीं से तय होगा। जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर गर्माहट का जिक्र किया है, लेकिन आपके जरिए समझना चाहेंगे कि हरीश रावत के बयान के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आना और दिल्ली में किस तरह की हलचल है उत्तराखंड की सियासत को लेकर? देखिए, पहले जब बीजेपी सरकार उत्तराखंड में थी तब भी उत्तराखंड में बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री चेंज किए थे, चाहे हम भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, बीसी खंडूरी की बात करें, रमेश पोखरिया निशंक की बात करें। तो अब चूंकि 2 साल का कार्यकाल हो चुका है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेके कई बार कई तरह की अटकलें जो है वो हमेशा लगाई जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, और यही वजह है कि एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में शायद बीजेपी जो चाहती है उस तरह की चीजें जो है वहां पे नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए अटकलों का दौर गर्म है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। इसे लेके खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो 2 दिन से लगभग दिल्ली में है, हालांकि उनके अलग अलग कार्यक्रम है जिन कार्यक्रमों के तहत वो यहाँ पे है, लेकिन कई कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली में जमे हुए हैं। अगर ऑफलाइन बात करें तो उनके जरिए भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी बीजेपी में खासतौर पे अब बीजेपी अमित जल्दी से थोड़ा नाम बता पाएंगे कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मदन कौशिक जो है दिल्ली में मौजूद है, इनके साथ में सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद है, सुबोध उनियाल दिल्ली में मौजूद है, बीच कई विधायक जो हैं एक यहाँ पे दिल्ली में मौजूद है, चाहे पुष्कर धामी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें। तो सिलसिला जो है वो मीटिंगों का चल रहा है, तो जिस तरह से सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है उससे अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो रहा है। हालांकि आखिरी डिसीजन क्या होगा बीजेपी आलाकमान इस पर डिसाइड करेगा। तो इस वजह से जेपी नड्डा के साथ होने वाली मुलाकात आज की बहुत अहम मानी जा रही है। नजर बनाए रखिएगा अमित, फिर आएंगे आपके अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।